धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में डॉक्टर मोतीरामन कंगाली जी ने गोंडी भाषा को कोयतूर समाज तक पहुंचाने की जिक्र किए थे। तो आप सभी को बता दें कि उनका मिशन पूरा हो गया, गोंडी भाषा को मिली नई पहचान। जैसे कि गूगल ने गोंडी भाषा को यूनिकोड फॉन्ट आ गया है, अब मोबाइल में सीधे टाइप कर सकेंगे। गोंडी भाषा को गूगल व न्यूजीलैंड की कंपनी ने बनाया। तो पूरा जानकारी पाने के लिए गोंडवाना की बात को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को बता दें कि बस्तर में आदिवासियों की गोंडी भाषा अब उन अंतरराष्ट्रीय भाषा में शामिल हो गई है। गोंडी भाषा को भी लिपिबद्ध कर दिया गया है। गूगल ने इसका यूनिकोड फॉन्ट भी बना दिया है। इसके साथ ही अब गोंडी भाषा को मोबाइल और इंटरनेट में सीधे टाइप कर सकेंगे। गोंडी भाषा को अंतरराष्ट्रीय पहचान देने का काम गूगल और न्यूजीलैंड की कंपनी ने किया। इस काम में सहयोग देने वाला शुभ्रांशु चौधरी ने बताया कि शुक्रवार को गोंडी यूनिकोड फॉन्ट को ऑनलाइन इनॉग्रेशन के दौरान तेलंगाना के सिदाम अर्जू, न्यूजीलैंड के मार्क पैनी, गूगल से क्रेग कॉर्नेलियस और देवांश मेहता मौजूद थे। चौधरी ने बताया कि यूनिकोड फॉन्ट आ जाने से गोंडी भाषा का खासा विस्तार होगा। अब तक गोंडी भाषा सिर्फ बोली जाती थी, लेकिन अब इसे आसानी से मोबाइल में या फिर इंटरनेट में लिखा जाएगा। खास तौर पर यूनिकोड फॉन्ट के जरिए इसका उपयोग युवा कर पाएंगे। इसके अलावा बस्तर डायलॉग की टीम ने मध्य भारत में चल रही हिंसा और इसके समाधान के लिए ऑनलाइन जनमत संग्रह में कुल 3760 लोगों ने हिंसा लिया। गांधी जयंती पर 150 गांवों के पीड़ित लोगों को कार्यक्रम में जोड़ा गया। मसराम गोंडी एक यूनिकोड ब्लॉक है जिसमें मसराम गोंडी लिपि के पात्र हैं। 1918 में भारत के मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के एक गोंड मुंशी मंगल सिंह मसराम द्वारा गोंडी भाषा को लिखने के डिजाइन किया गया था। इस प्रकार से हमारे पेनवासी डॉक्टर मोतीरामन कंगाली जी के सपनों को साकार कर लिया गया। इस ऐप की नाम है कीमैन। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए गोंडवाना की बात को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय जोहार।